हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। और गाइस, जैसा हमने कहा था कि हम आज वीकली करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर वीकली करंट अफेयर्स की क्लास 12 से 18 अप्रैल 2021 तक का। सो गाइस, फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। हाँ, प्रॉपर चीटिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल एरर था, इसी की वजह से थोड़ा डिले हो गया, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। फटाफट से सभी लोग आंसर करिएगा सेशन को, जितना जल्दी आप आंसर्स करेंगे तो जल्दी सेशन एंड होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो हम क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे और वहाँ पर चीज़ों को डिस्कस भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, सोते तो तुम सब लोग 12 बजे हो, लेकिन बस क्लास का 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो बस, है ना, इतना लेट हो गया। चलिए, हाउ मच लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन पंजाब। पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाएं के लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन एंड 400 मिलियन। फटाफट से बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जितनी जल्दी आंसर करेंगे उतनी जल्दी क्लास आपकी खत्म होगी। यस मोहित, राइट, करेक्ट आंसर है। यस आशीष, राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज $300 मिलियन। ठीक है, एसएससी के एग्जाम का पोस्टपोनमेंट का अभी कोई एज सच ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेयर विल बी अवार्डेड द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दूती चंद, हीमा दास, स्वप्ना बर्मन एंड अनुरानी। फटाफट से बताइए। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में लॉकडाउन हो चुका है, बिल्कुल सही बात है, 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन हो गया है दिल्ली में। यूपी में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है, जैसे वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद। वही मेरी आपसे सलाह है कि अपना घर पर रहिए, कोशिश करिए आप ज़्यादा लोगों से ना मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और डबल मास्किंग करें जितना हो सकता है, और अपना लिक्विड डाइट पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी को कंज्यूम करिए, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आपके ही हाथ में सुरक्षा है अपनी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आशीष। यस जयकाल, यस मोहित, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ दूती चंद। नेक्स्ट चलते हैं। यस मोहित, बिल्कुल लखनऊ में भी हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इंडिया एंड डैश हैव अनाउंस्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर टू फर्दर डीपनिंग ऑफ रिलेशंस इन द वाटर रिलेटेड सेक्टर। हाल ही में भारत और डैश ने जल से संबंधित क्षेत्र में संबंधों को और गहरा करने के लिए जल पर रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड्स एंड यूनाइटेड किंगडम। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हेलो राहुल, राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दैट इज नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के साथ यहाँ पर भारत ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है ऑन वाटर, राइट आशीष। ओके आशीष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मोहित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर सब कोई फ्रांस दे रहा है, कोई यूके बता रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अच्छा, नीदरलैंड क्यों न्यूज में था? नीदरलैंड के पीएम मार्क रूते बने हैं, मार्क रूते, इनके साथ वर्चुअल समिट किया गया था तब ये साइन किया गया था। कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 26। जल्दी से बताइए सभी लोग। सो कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दैट इज आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल की बात करता है, एक व्यक्ति की बात करता है कि एक व्यक्ति को यहाँ पर अपने रिलीजन को चूज करने का, टू चूज प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन। और यहाँ पर कहा गया कि प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप रिलीजियस कन्वर्जन करिए लोगों का, वो लोग के मतलब हर पर्सन के इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कन्वर्ट होना चाहता है या नहीं होना चाहता किसी पर्टिकुलर रिलीजन में। यहाँ पर प्रोपगेशन का मतलब रिलीजियस कन्वर्जन से नहीं है, आर्टिकल 26 कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है। यस आशीष, दिवेश, ओके दिवेश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यस आकांक्षा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। यस आशीष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मोहित, ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके यस, हेलो आकांक्षा, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच कंट्री नेवी वॉरशिप पास थ्रू इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विदाउट प्रायर परमिशन। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बिना परमिशन के, बिना जो अनुमति के, कौन सा कंट्री का वॉरशिप गुजरा है? सो चाइना, रशिया, US एंड ईरान। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक कंट्री का आर्थिक क्षेत्र होता है कोस्ट लाइन से। अगर हम UN क्लॉज की बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, तो कोस्ट लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रीजन होता है, इसको किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और कोस्ट लाइन से जब हम कहें कि यहाँ पर आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक जो रीजन होता है, ये कंट्री का टेरिटोरियल वाटर्स होता है, टेरिटोरियल वाटर्स होता है ये, ठीक है। यस बिल्कुल मोहित, करेक्ट आंसर है। यस US इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन सी। यस यस मोहित, करेक्ट आंसर है। राइट आशीष, चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल, 8 अप्रैल और 7 अप्रैल। फटाफट से बताइए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपका कब मनाया जाता है? 11, 10, 8 या फिर 7? सर की तबीयत ठीक नहीं है आशीष, तो जैसे ही सर ठीक हो जाते हैं फिर आपकी मैथ्स की क्लास जो है वो रिज्यूम हो जाएंगी, ठीक है। सर इज़ नॉट फीलिंग वेल, उनको फीवर हो रखा है, तो जैसे ही सर की तबीयत ठीक होगी ही विल रिज्यूम द क्लास। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दैट इज 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। यस आशीष, राइट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु अज्यूम्ड ऑफिस एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ कसोवो? कसोवो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? वजोसा उस्मानी, सादरियो अल्बिन कुर्ती, अब्दुल्ला होती एंड हाशिम ताची। करेक्ट आंसर क्या होगा? नए प्रेसिडेंट ऑफ कसोवो कौन बने हैं? यस राधव माधव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। यस मोहित, राइट करेक्ट आंसर है फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, वजोसा उस्मानी सादरियो। राइट आशीष, करेक्ट आंसर है। यस ऑप्शन ए, ये किसको रिप्लेस करेंगे? हाशिम थाची को रिप्लेस करेंगी, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी लोग फटाफट फटाफट से आंसर करिएगा, इस टाइम मत लगाइए इसमें। चंद्र नायडू पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88, शी वॉज द डैश ऑफ इंडिया। चंद्र नायडू का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे भारत की डैश थी, पहली महिला क्रिकेटर, पहली महिला तैराक, पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर या फिर पहली महिला वक्ता, फटाफट से बताइए। चंद्रा नायडू कौन थी? सीके नायडू की जो है बेटी थी ये। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दैट इज फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर कमेंटेटर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, चंद्रा नायडू। यस आशीष, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर। यस मोहित, राहुल, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। सो नेम दिस डिवाइस, रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोट ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है, इस डिवाइस का नाम क्या है? नैनो डिटेक्टर, नैनो स्नीफर, नैनो सेंसर एंड नैनो ट्रेसर। गाइस जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दैट इज नैनो स्निफर। तो नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी करके एक IIT के द्वारा सपोर्टेड एक आपका स्टार्टअप है, जिसके द्वारा इस एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर को लॉन्च किया गया है, इसका नाम ही उसी पे रखा गया है, नैनो स्निफर। यस आशीष, राहुल, राइट करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। यस मोहित, राइट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसका मतलब आप लोग ने अच्छे से पढ़ाई की है, वेरी गुड, सब चीज़ आपको याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक? निनमें से किस निकाय ने ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका को लॉन्च किया है? प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, RBI एंड नीति आयोग। सो ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक इसलिए रिलीज की गई है ताकि जो लोग हैं वो ऑनलाइन अपने सेटलमेंट कर सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का इनको यहाँ पर मौका मिलेगा। जैसे जो छोटे छोटे यहाँ पर केसेस हैं जिनमें अमाउंट कम होती है, तो उनका निपटारा जो है इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए हो सकेगा। यस हाँ आशीष, थोड़ा मेरी भी तबीयत ऐसी ही है, चल रही है, क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा आजकल, तो सबको फीवर हो रहा है ना,
थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, मे बी उसका भी इम्पैक्ट है, और जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो और भी ज़्यादा डर लग रहा है चीज़ों को देखकर। बट ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो कंडीशन सभी के लिए है, तो वील फाइट टुगेदर। ठीक है, हम सब तो एकदम कोविड वॉरियर्स हैं, पिछली बार हम बच गए थे, इस बार भी बच जाएंगे हम लोग, है ना। चलिए, बस अपना ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है, आसपास का ध्यान रखना है। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नीति आयोग। यस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है राहुल, राइट। हाँ, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने उन्होंने लॉन्च किया था इसको, राइट, नीति आयोग। यस अनूप, राइट, नीति आयोग 2015 में आपका लॉन्च हुआ था। हाँ बिल्कुल आशीष, फीवर वगैरह काफ़ी चल रहा है तो अपना ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना। मेडिसिन लीजिए, ज़्यादा आराम ना लगे तो कोविड टेस्ट करवाइए, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज एंड धर्म सभा। जल्दी से बताइए, सो ज्योतिराव फूले, सो इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की गई थी, इन्होंने पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में फर्स्ट विमेन स्कूल खोला था, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया था इनके द्वारा, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है। विमेन में एजुकेशन को प्रमोशन उन्होंने किया था, गर्ल एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट करते थे, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, यस करेक्ट आंसर है आशीष, राइट, मोहित, राइट, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। विश्व पार्किंसंस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल एंड 13 अप्रैल। जल्दी से बताइए, पार्किंसन डिजीज ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा कांपने लगती है, बॉडी में बैलेंस नहीं बन पाता है। सो ये काफ़ी मतलब जो आपका अल्जाइमर डिजीज़ है उसके बाद ये काफ़ी मेजर डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अल्जाइमर में इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और पार्किंसन में जो है शिवरिंग होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दैट इज 11 अप्रैल। वर्ल्ड पार्किंसंस डे जो है ये आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा गाइज। यस मोहित, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 11 अप्रैल, यस। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स इन्वॉल्विंग कोलिजन ऑफ टू ब्लैक होल्स। निम्न में से कौन सा शब्द दो ब्लैक होल के टकराव से संबंधित गुरुत्वाकर्षण तरंगों की घटना को संदर्भित करता है? ब्लैक साइरन्स, डार्क साइरन्स, ब्लैक ड्वार्फ एंड व्हाइट ड्वार्फ। जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दाशीष, यस मोहित, राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाइस सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाटा रिसेंटली एंडेड अ नियरली 2 बिलियन डील विद पेट्रोनास। पेट्रोनास इज एन ऑयल एंड गैस कंपनी ओन्ड बाय डैश। हाल ही में टाटा ने पेट्रोनास के साथ लगभग 2 बिलियन का जो सौदा है उसको समाप्त कर दिया है। पेट्रोनास के स्वामित्व में एक तेल और गैस कंपनी है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड मलेशिया। तो पेट्रोनास कहाँ की कंपनी है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दैट इज मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया के द्वारा ओन्ड ये आपकी पेट्रोनास कंपनी है। यस आशीष, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, गाइस सभी लोग आंसर करिए, यहाँ पर एक दो के आंसर करने से काम नहीं चलेगा, सभी लोग को आंसर करना है। यस नेक्स्ट देखिए, नोरा अलमत्रोशी हैज बिकेम, शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ डैश। नोरा अलमत्रोशी डैश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, ईरान, बांग्लादेश, यूएई एंड पाकिस्तान। फटाफट से बताइए, नोरा अलमत्रोशी कहाँ की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दैट इज यूएई, और यूएई ने होप प्रोब मिशन भेजा है। कहाँ पर भेजा है? ये मार्स पे भेजा है, ठीक है। और ये जो नोरा अलमत्रोशी हैं, एक फीमेल एस्ट्रोनॉट और एक मेल एस्ट्रोनॉट को आइडेंटिफाई किया गया है, इनको नासा के एक सेंटर पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और फिर इनको स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली नासा हैज शेयर्ड एन इमेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लू डून्स ऑन मार्स, द इमेज हैज बीन टेकन बाय डैश। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर इलेक्ट्रिक नीले टीलों की तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीर को डैश द्वारा लिया गया है। ओडेसी ऑर्बिटर, होप ऑर्बिटर, मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन, सभी लोग बताइए। नासा ने अभी जो है यहाँ पर एक ब्लू डून्स की जो इमेज है मार्स पर, इलेक्ट्रिक इमेज, उसको जो है शेयर किया है। और ये इमेज किसके द्वारा ली गई है? ओके आशीष, एक बार आप चेक करिए कि आपके ही फ़ोन में इशू आ रहा है या फिर ओवरऑल ही दिक्कत है। बाकी लोग भी गाइस कमेंट करके बताइए, सभी के में इशू आ रहा है या फिर सिर्फ आशीष के में इशू आ रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, दैट इज ओडिसी ऑर्बिटर। सो ओडिसी ऑर्बिटर जो है इसके 20 साल पूरे हो चुके हैं, 2001 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और मार्स के चारों तरफ ऑर्बिट करने वाला ये सबसे पुराना ऑर्बिटर है। मार्स ऑर्बिटर मिशन कहाँ का है? भारत का है। इसको मंगलयान भी कहते हैं। मिशन का नाम क्या है? मंगलयान है। और ये 2000 के नोट पर छपा हुआ है। और होप प्रोब जो ऑर्बिटर है आपका, ये किसका है? ये आपका यूएई का है, राइट? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आशीष। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। JSW स्पोर्ट्स पार्टनर्ड विद डैश टू मेंटर स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। JSW स्पोर्ट्स ने खेल के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए डैश के साथ भागीदारी की है। नीति आयोग, इंडिया एक्सेलरेटर, मोबाइल प्रीमियर लीग एंड IMG रिलायंस। आशीष, बाकी लोग तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप ही बता रहे हो। गाइस सभी लोग कमेंट करिए। सो JSW ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इंडिया एक्सेलरेटर के साथ पार्टनरशिप की है JSW ने, टू मेंटर स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग इन डैश। केंद्रीय खेल मंत्री ने डैश में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका एंड जम्मू एंड कश्मीर, फटाफट से बताइए। यहाँ पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है गाइस? यस राहुल, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेबी हैज इम्पोज हाउ मच फाइन ऑन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी एंड फर्म्स लिंक टू अंबानीज। तो सेबी ने यहाँ पर एक फाइन इम्पोज किया क्योंकि इन्होंने जो अपना स्टेक था वो 5% से ज़्यादा बढ़ गया था इनका RIL में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। और इसी के चलते उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया था, तो 2000 की बात है ये, तो उसी के चलते यहाँ पर सेबी ने फाइन को इम्पोज किया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा, 25 करोड़ का फाइन यहाँ पर लगाया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है। अब इसमें सेबी की हम बात करें तो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था ये मिला था 1992 में, ठीक है, सेबी एक्ट के जरिए। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके जो करंट चेयरमैन हैं सेबी के, ये कौन है? अजय त्यागी हैं, ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं आशीष, इसका आंसर जो होगा 25 करोड़ होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। द इंग्लिश वर्जन ऑफ बुक अख्तारी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर हैज बीन एडिटेड बाय अख्तर। द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण डैश द्वारा संपादित किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यशपाल, गिरिजा कुमार माथुर एंड यतेंद्र मिश्रा, फटाफट से बताइए गाइस। इंग्लिश वर्जन अख्तारी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, इसको किसके द्वारा एडिट किया गया है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दैट इज यतेंद्र मिश्रा के द्वारा इसको एडिट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। रिसेंटली इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च लिटिल गुरु ऐप इन बांग्लादेश। इस ऐप को किस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए लॉन्च किया गया है? उर्दू, हिंदी, तमिल एंड संस्कृत। गाइज आप सब लोग के कमेंट नहीं आ रहे, सभी लोग कमेंट करिए गाइज। यस आशीष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज संस्कृत, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज को सीखने के लिए लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यस मोहित, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राइट। यस चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हु अमंग दी फॉलोइंग हैज वन दी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन बाफ्टा 2021 बाफ्टा 2021 में निम्न में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, एंथनी हॉपकिंस, यू जंग योन एंड डेनियल कलुया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेस्ट मूवी की, बेस्ट फिल्म की हम बात करें या डायरेक्टर की हम बात करें, तो चार अवार्ड यहाँ पर नोमैडलैंड को मिले हैं, ठीक है। और जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है किसको मिला है? यस भूपेंद्र, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, दैट इज फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, ठीक है। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड के द्वारा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता गया है। यस आशीष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राइट। नो राहुल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यस मोदित, यस मोहित मुदित, राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स? निम्न में से किस शहर ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद, अहमदाबाद, सूरत एंड विशाखापट्टनम। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा इस, जल्दी जल्दी कमेंट करिए गाइस। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा इशू किया गया है? सो ये गाजियाबाद के द्वारा इशू किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं गाइस। आप लोग आंसर बहुत लेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए, बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन मेरे पढ़ने का वेट मत करिए, आंसर करते रहिए। यस आशीष, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डैश ऑफ द रेजीना डायलॉग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के डैश का उद्घाटन किया है। फोर्थ एडिशन, सिक्स एडिशन, एट्थ एडिशन एंड सेकेंड एडिशन, फटाफट से बताइए। यस राहुल, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है, गाजियाबाद। यस आशीष, यस राहुल। सो ये कौन सा एडिशन था? ये सिक्स एडिशन था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गाइज एक बार आप जो है वीडियो को रिफ्रेश करिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग का थोड़ा डिले चल रहा है, ताकि आप जो है सिंक में आ सके, ठीक है। चलिए, तो सिक्स एडिशन रेजीना डायलॉग का इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। यस आशीष, राइट, करेक्ट आंसर है। यस मोहित, राइट। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्र एंड पीके सिन्हा। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की हम बात करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये आपका मेंशन करता है कि जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, जो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन होंगे, इसके अलावा जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होंगे, ये सभी कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। इसके बाद पार्टीज को सिंबल्स प्रदान करना, पार्टी को रिकॉग्नाइज करना, ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। एंड इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक CEC होते हैं और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर का, या तो 65 साल का होता है या फिर 6 साल का होता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जैसे कि महाभियोग चलाया जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर, उसी तरह से सिमिलर सॉर्ट ऑफ यहाँ पर महाभियोग जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए चलाया जाता है, प्रेसिडेंट ही फाइनल रिमूवल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दैट इज सुशील चंद्र। यस भूपेंद्र, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। यस आशीष, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मोहित, राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। यस राइट, चलिए। यस राहुल दिवाकर, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो सुशील चंद्र। अरे आशीष, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो क्वेश्चंस आने बाकी हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी से कहाँ जो है आप एग्जिट ले रहे हैं, है ना। चलिए, क्लियर है सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ते, इन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। रिसेंटली अ ट्रॉपिकल साइक्लोन सरोजा हैज हिट दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ डैश। हाल ही में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सरोजा डैश के पश्चिमी तट से टकराया है ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जापान एंड इंडिया। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, वेस्ट इंडीज के जो क्षेत्र है वहां पर आप इसको जानते हैं हरिकेन के नाम से, ठीक है। इसके बाद जापान में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं, और भारत में तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही, सिंपल साइक्लोन ही कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी नहीं, राइट। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से करेक्ट आंसर होगा सरोजा, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पर आया था। यस आशीष, मोहित राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अनाउंस दैट द डेविस कप फाइनल्स 2021 विल बी हेल्ड इन डैश। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने घोषणा की कि डेविस कप फाइनल 2021 का आयोजन डैश में होगा, मैड्रिड, इंसब्रक, ट्यूरिन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, करंट अफेयर्स की क्लास होगी मॉर्निंग में, बिल्कुल होगी, वो भी अटेंड करिएगा, इसको भी अटेंड करके जाइए। मैम दो मिनट लेट आती हैं तो आपको लगता है कि मैम ने गुनाह कर दिया है, और अब जो आप क्लास छोड़कर जा रहे हो तब उसका क्या। चलिए, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और क्लास में आप लोग नहीं रहोगे तो क्या मजा आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जल्दी से आंसर आना चाहिए गाइस, आप लोग कर क्या रहे हैं, आंसर करिए सभी लोग। ऑप्शन डी, यस मोहित करेक्ट आंसर है, राहुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली योगेश प्रवीण डाइड एट द एज ऑफ 82 इन लखनऊ, ही वॉज अ फेमस डैश। हाल ही में योगेश प्रवीण का लखनऊ में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, क्रिकेटर, सिंगर, क्लासिकल डांसर एंड हिस्टोरियन। गाइज मैंने मंथली करंट अफेयर्स जो मैगजीन है वन लाइनर्स, ठीक है, वो भी मैंने इस बार इशू कराई हैं, लास्ट टाइम भी इशू कराई थी। आई होप आपने वो वेबसाइट से जाकर डाउनलोड की होंगी और आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स गिवन है। तो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो वेबसाइट से जाकर एक बार उसको ज़रूर डाउनलोड करिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर येस ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ हिस्टोरियन, फेमस इतिहासकार थे। येस राहुल, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें कितनी कंट्रीज ने साइनिंग की थी, इसकी साइनिंग हुई थी नवंबर 2020 में, 15 कंट्रीज ने इसमें साइनिंग की है, 15 में आपकी 10 आशियान नेशन शामिल हैं, ठीक है, और 5 अन्य सदस्य हैं जैसे कि आपका साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, ये सारी कंट्रीज इसमें शामिल है। 10 आशियान नेशन में आपका जैसे कि मलेशिया, आपका म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है, ब्रूनी, थाईलैंड, ये सारी आशियान कंट्रीज इसमें शामिल हैं। सो पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने इस मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है? सो ये आपकी ऑप्शन बी होगा, दैट इज सिंगापुर। यस मोहित, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर, ठीक है। सो आपका जो सिंगापुर करेक्ट आंसर है, और ये जो RCEP है इसको साइन किया गया था वियतनाम में, आपका एक हनोई में समिट हुआ था, हनोई में एक रीजनल समिट हुआ था आशियान का, तो तब इसको साइन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल डैश मतलब किस तारीख को मनाया जाता है, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल? यस मोहित, जो अभी न्यूज में था कि जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, पावर पार्क जो बनाया जा रहा है, ये आपका सिंगापुर में कंस्ट्रक्ट होने वाला है, ये न्यूज में था, बिल्कुल राइट। सो नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? ये आपका 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी, सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज मित्तल, अजय कुमार कपूर, मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड एस रमन। जल्दी से बताइएगा इस करेक्ट आंसर क्या होगा, किसको नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सिडबी का? फटाफट से बताइएगा इस। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज एस रमनन, ठीक है, एस रमनन इसका करेक्ट आंसर होगा। यस भूपेंद्र करेक्ट आंसर है फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। ये मुझे कमेंट्स लेट मिल रहे हैं या फिर आप लोग जो है लेट कमेंट कर रहे हो? एक बार गाइस अपने अपनी वीडियोस को रिफ्रेश करिएगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। हु हैज रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। यस मुदित राइट, राहुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, दैट इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो भूपेंद्र, जीके के लिए जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑलरेडी चल रही है स्टैटिक पोर्शन की, रोज रात को 9 बजे होती है। बीच बीच में जो करंट अफेयर्स की आपकी क्लास है वो हो जाती है, मतलब सुबह देखिए मॉर्निंग में 8 बजे आपकी डेली करंट अफेयर्स क्लास होती है, फिर वीकली या मंथली अगर करंट अफेयर्स क्लास होती है तो वो कभी कभी 9 बजे होती है। अदरवाइज आपकी जो है जीके स्टैटिक पोर्शन की क्लास होती है। अभी हम लोग हिस्ट्री कवर कर चुके हैं पूरा, एंशियंट मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री हमने कवर कर लिया है, पॉलिटी हमारा पूरा कवर हो गया है, और कल से जो है आपका ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रात को 9 बजे 9 PM पर आपकी क्लास होती है, तो मुझे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हाँ मुझे पता था यहाँ पे FAO से कन्फ्यूज हो गए, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए। हु हैज़ बीन अवार्डेड अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड इन अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 में अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शबीना अली, शेफा अली, शफीना यूसुफ एंड यूसुफ अली, फटाफट से बताइए। अच्छा मुझे आंसर्स लेट मिल रहे हैं, मे बी पॉसिबिलिटी है मोहित। यस दिवेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यस प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज यूसुफ अली। ठीक है, अबू धाबी के जो टॉप सिविलियन अवार्ड है किसको मिला है? यूसुफ अली को मिला है, लुलू ग्रुप के फाउंडर हैं। ठीक है, पहले भारतीय हैं जिनको ये अबू धाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड मिला है 2021 का। यस चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड इन मार्च 2021? सो मार्च 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ जो है यहाँ पर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? सो राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, ऋषभ पंत एंड रविचंद्रन अश्विन। सो जल्दी से बताइए गाइस, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? सो किसने जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज भुवनेश्वर कुमार ने जीता है। फर्स्ट जो था जनवरी 2021 का जो था प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ये ऋषभ पंत ने जीता था। फरवरी 2021 में रविचंद्रन अश्विन ने जीता था, और अब मार्च 2021 में भुवनेश्वर कुमार ने जीता है। यस आशीष करेक्ट आंसर है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए। हु हैज़ वन द सर रिचर्ड हेडले मेडल फॉर द फोर्थ टाइम इन द लास्ट 6 ईयर्स? पिछले 6 वर्षों में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक किसने जीता है? स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, इयान मॉर्गन एंड जो रूट। यस भुवनेश्वर कुमार करेक्ट आंसर है फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भूपेंद्र, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप रोजाना क्लासेस करेंगे और आपको अपने आप रिजल्ट दिखने लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है और आपका ग्राफ जो है वो ग्रो करेगा हर दिन। यस चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज केन विलियमसन। ठीक है, ये जो प्लेयर हैं इनको सर रिचर्ड हेडली मेडल से चौथी बार सम्मानित किया गया है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए। यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आशीष, दिवेश राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए। द नेशन इज सेलिब्रेटिंग द डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, पूरा देश डॉक्टर BR अम्बेडकर की डैश जयंती मना रहा है, 125वीं, 150वीं, 175वीं और 130वीं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल को होती है, ठीक है, और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भी मनाते हैं, और सरकार ने जो है जो राष्ट्रीय अवकाश है इसको मनाने की जो घोषणा की है, एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने काफ़ी कार्य किया है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और जो फेमस पूना पैक्ट था जो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था, इन्हीं से रिलेटेड था ये। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी यही थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी
इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। एंड इसके अलावा इन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम बात करें तो ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे भारत के, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, क्लियर सभी को? यस 130 करेक्ट आंसर है, यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है गाइस, यस आशीष राइट करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यस राहुल दिवाकर राइट करेक्ट आंसर है, मोहित करेक्ट आंसर है। देयर मे बी सम टेक्निकल एरर गाइस, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पोषण ज्ञान, पोषण ज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? इट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेस, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दैट इज टू ओनली, क्योंकि जो पोषण ज्ञान है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च नहीं किया था, ठीक है, और ये नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च ई सेंटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म फॉर एक्वा फार्मर्स, निम्न में से किसने जल कृषकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ई सांता की शुरुआत की है? नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर एंड पीयूष गोयल, जल्दी से बताइएगा इस कमेंट करके। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? किसने ई सांता जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दैट इज पीयूष गोयल, पीयूष गोयल के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है ये। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अवार्डेड द सेकेंड हाईएस्ट सिविल फ्रेंच ऑनर, किसे दूसरे सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है? रितेश बात्रा, अरुण रंगाचारी, अपर्णा बाला मुरली एंड गुनीत मोंगा। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? सो गाइस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज गुनीत मोंगा, गुनीत मोंगा को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पंजाब के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सोनू सूद, रणवीर सिंह, सुरेश रैना एंड अमिताभ बच्चन। तो पंजाब के कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सोनू सूद को चुना गया, और सोनू सूद को सुनने में आया है कि इनको भी कोविड हो गया है, ठीक है, देखिए कितनी आयरनी है ना। सो यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दैट इज सोनू सूद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए गाइस, नेम द पेमेंट्स बैंक विच हैज बीन लॉन्च्ड एज अ सेविंग अकाउंट, विच हैज लॉन्च्ड अ सेविंग अकाउंट्स रिवॉर्ड्स 1, 2, 3, पेमेंट्स बैंक का नाम बताइए जिसने बचत खाता रिवॉर्ड 1, 2, 3 लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक। गाइज बस थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, तो थोड़ा पेशेंटली आप लोग गाइज वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, दैट इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक, राइट? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नववर्षा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश, नववर्ष त्यौहार डैश राज्य में मनाया जाता है? केरला, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ पर मनाया जाता है फटाफट से बताइए गाइस, नववर्ष फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इक्वाडोर,
निनमें से किसने इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? गुलरमे लासो, लेनिन मोरेनो, जेर बोल्सोनारो एंड लिकोनस मदुरो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा, दैट इज गुलेरमो लासो। गुलेरमो लासो के द्वारा यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता गया है इक्वाडोर का। ठीक है, इक्वाडोर कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में लोकेटेड ये कंट्री है और ये अपना बॉर्डर जो है पेरू के साथ शेयर करती है और लेनिन मोरेनो को ये जो है रिप्लेस करेंगे और जो जेयर बोल्सोनारो हैं ये क्या है? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड छगास डिजीज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। विश्व छगास रोग दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, 16 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल। वर्ल्ड छगास डिजीज डे कब मनाया जाता है गाइस? 16, 15, 14 एंड 12। यस, तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड छगास डे? ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रिसेंटली जीवीजी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे, ही वॉज दी फॉर्मर डैश। हाल ही में जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह पूर्व डैश थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। सो जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वो कौन थे? वो पूर्व जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात चल रही है तो 47th CJI कौन है अभी? ऐसे बोबड़े हैं और अभी 24 अप्रैल को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? 48th CJI। इनका नाम रिकमेंड कर दिया गया है, प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया है, NV रमन्ना है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग एंड अटल इनोवेशन मिशन हैज साइंड अ पैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन। नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन ने किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? के बिरला फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड इनोवेशन फाउंडेशन एंड द सॉल सिस्टम्स फाउंडेशन। ठीक है गाइज, मैं कोशिश करूंगी कि नेट का इशू ना हो और जो वीडियो है बिल्कुल स्मूथ चले। ठीक है, आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या इसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा सुबह भी वीडियो सही चल रही थी, 4 PM पे भी एकदम स्मूथ ही चल रही थी। अभी पता नहीं, कुछ शायद हो सकता है कि लेट नाइट की वजह से कुछ दिक्कत आ रही हो, तो अभी इसको चेक कर लेंगे और जो भी समस्या होगी उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल आशीष, मैं तो ऑलरेडी एक टेस्ट करवा चुकी हूँ, कितनी बार मैं टेस्ट कराऊँ, अभी तो नेगेटिव ही निकला था मेरा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द सॉ सिस्टम्स फाउंडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मेंटल वेलबींग डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस हैज बीन लॉन्च बाय प्रोफेसर के विजय राघवन, व्हाट डज मानस स्टैंड फॉर? मेंटल वेलबींग डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस का शुभारंभ के विजय राघवन के द्वारा किया गया। मानस का मतलब क्या है? मेंटल अवेयरनेस एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सर्विस, मेंटल अवेयरनेस एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सर्विस एंड मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यस, ऑप्शन डी होगा, दैट इज मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए। हु बिकेम द नंबर वन ODI बैट्समैन आफ्टर रिप्लेसिंग विराट कोहली? विराट कोहली की जगह लेने के बाद नंबर वन ODI बल्लेबाज कौन बन गया है? रोहित शर्मा, बाबर अजम, हाशिम आमला एंड स्टीव स्मिथ। तो विराट कोहली 3.5 साल के करीब से नंबर वन ODI बैट्समैन प्लेयर थे, लेकिन अभी यहाँ पर इनको रिप्लेस कर दिया गया है। किसके द्वारा? बाबर अजम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। कहाँ के प्लेयर हैं ये? पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। विश्व कला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 मार्च एंड 18 अप्रैल। जल्दी जल्दी गाइस कमेंट करके बताइए। सो वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड एज 18 स्टेट ऑफ इंडिया इन डैश। हिमाचल प्रदेश भारत के 18वें राज्य के रूप में कब बना था? 1968, 1956, 1986 एंड 1971। तो 15 अप्रैल को जो है हिमाचल प्रदेश अपना हिमाचल डे मनाता है, हिमाचल दिवस मनाता है। ठीक है, और 1971 में ये 18वां राज्य बना था भारत का। इसकी दो कैपिटल हैं, एक तो है शिमला
और दूसरी है धर्मशाला, ठीक है। दो कैपिटल्स हैं इसकी, हिमाचल प्रदेश की शिमला एंड धर्मशाला। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। 1971 से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, बांग्लादेश जो है इसकी आज़ादी का दिवस मनाया जाता है, बांग्लादेश लिबरेशन डे के तौर पर 1971 को मनाया जाता है। इस बार 50वीं सालगिरह है, 50th एनिवर्सरी है बांग्लादेश लिबरेशन की, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। इट इज ओपन टू सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन डैश। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रैवल फॉर चैलेंज करके एक लॉन्च किया गया है। सो ये कौन सी सिटीज की पॉपुलेशन के लिए लॉन्च किया गया है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख एंड 20 लाख। सो सिटीज की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इन्होंने रिसेंटली जो फर्स्ट मीटिंग थी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, उसको चेयर किया है। तो DPIIT के द्वारा ये जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, इसको जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसमें एक्स ऑफिशियल मेंबर्स के अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? चलिए मैं बता देती हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ टू ओनली। इसको जनवरी 2021 में नहीं, जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। ओके, नमस्ते संदीप। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसका गलती से ऑप्शन सी मार्क्ड है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव द्वारा उद्घाटन भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज की पहल नहीं है? आईपी गुरु, निक्सी अकेडमी, निक्सी आईपी इंडेक्स एंड निक्सी आईपी V6। संदीप, ये जो हमारा करंट अफेयर्स है, रोज़ सुबह 8 बजे क्लास होती है हमारी डेली करंट अफेयर्स की। अभी हम वीकली करंट अफेयर्स रिविजन कर रहे हैं 12 से 18 अप्रैल का विद द हेल्प ऑफ MCQs। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ द निक्सी IPv6, ठीक है। निक्सी IPv6 के द्वारा यहाँ पर जो ये इनिशिएटिव है, ये उसका पार्ट नहीं है, जो निक्सी के द्वारा, जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा लॉन्च किया गया था। दिस इज नॉट वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ निक्सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विद यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट इन 100 villages ऑफ 6 states। निम्न में से किसने 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक एंड गूगल। किसने यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में? सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नहीं होगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने हस्ताक्षर किए हैं। गाइस, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट करते रहिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा। नाडा के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ सिंह लौंगम, नवीन अग्रवाल, सुनील जोशी एंड देवाशीष मोहंती। तो नाडा के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे वाडा है वर्ल्ड लेवल पे, ऐसी नाडा इंडिया के लेवल पे है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लौंगम बने हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए, द 22nd लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्चुअल सेरेमनी, ये कहाँ पर होगी? मैड्रिड, पेरिस, बर्लिन या फिर सेविले। 22वीं लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कहाँ पर वर्चुअल सेरेमनी होनी है? सो ये कहाँ पर होगी? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेविले में होगी। ये आपकी स्पैनिश सिटी है, कहाँ पर? स्पेन में है ये जगह। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली बलबीर सिंह जूनियर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ही वॉज एसोसिएटेड विद विट स्पोर्ट। हाल ही में बलबीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड कबड्डी। सो बलबीर सिंह जूनियर, जैसे नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा, गेस कर सकते हैं आप, हॉकी से ये रिलेटेड थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज साइंड अ डील टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। निम्न में से किसने भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गूगल, फेसबुक, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट।
तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किसके साथ साइन किए गए हैं, तो फेसबुक के साथ यहाँ पर साइनिंग की गई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हु विल एक्वायर दी ऑनलाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर ट्रिप। ऑनलाइन ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण कौन करेगा, फेसबुक, पेटीएम, गो आई बी बी ओ एंड फ्लिपकार्ट। जल्दी से बताइए, क्लियर ट्रिप कंपनी को ऑनलाइन एक्वायर कौन करने वाला है, फेसबुक, पेटीएम, गो आई बी बी ओ एंड फ्लिपकार्ट। सो फ्लिपकार्ट इसको जो है टेक ओवर करने वाला है क्लियर ट्रिप को, सो इसलिए चर्चा में था, ऑप्शन डी करें।